That the time has come for you and the world to see the B-21 Raider. The B-21 Raider is the first strategic bomber in more than three decades. It is a testament to America's enduring advantages in ingenuity and innovation. हेलो एवरीवन यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स प्रदर्शन करने जा रही है अपना लेटेस्ट स्टील्थ एयरक्राफ्ट जिसका नाम है बी ट्वेंटी वन रेडर इस वीडियो में जानेंगे क्या ये बॉम्बर दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है या नहीं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन बी ट्वेंटी वन रेडर बॉम्बर का नाम किसके ऑनर में रखा गया है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स बी कर्नल जॉर्ज एवरेट सी लेफ्टिनेंट कर्नल ट्रेविस जे रेफील्ड डी लेफ्टिनेंट कर्नल बक क्रॉम्पटन अपना आंसर लिखी कमेंट सेक्शन में सही आंसर आपको जानने को मिलेगा वीडियो के एंड में आइए अपने टॉपिक पे आते हैं ये एयरक्राफ्ट बी टू और बी वन बॉम्बर की कैटेगरी में आता है लेकिन बी ट्वेंटी वन रेडर का रोल इन दोनों से बढ़कर है ये कई एडवांस एक्टिविटीज़ जैसे कि निगरानी सैनिक परीक्षण लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के सक्षम है साथ ही साथ ये दुनिया में सबसे टफेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है और सटीक हवाई हमले करने के लिए ये काबिल है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे ये न्यूक्लियर वेपन और कन्वेंशनल वेपन दोनों ही कैरी कर सकता है और जैसे कि ये न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले बी वन और बी टू सीरीज से तो ये बनावट और कैपेबिलिटीज दोनों में अलग है अगर हम इसके इंजन की बात करें या पेलोड कैपेसिटी की तो वो बी ट्वेंटी वन रेडर में काफ़ी एडवांस तरीके का इस्तेमाल किया गया है इसकी मैक्सिमम स्पीड सिक्स हंड्रेड माइल्स पर आवर है इंजन मैन्युफैक्चरर्स पर्यटन विडनी ने इसमें एफ़ वन टर्टी फाइव इंजन का इस्तेमाल किया है जो सेम इंजन एफ थर्टी फाइव लाइटिंग टू फाइटर जेट में इस्तेमाल किया गया है इस एयरक्राफ्ट को एक फैसिलिटी में बनाया जा रहा है जो पामडेल कैलिफोर्निया में स्थित है और इसे 2023 की शुरुआत में अराउंड जनवरी तक बनकर तैयार किया जाएगा इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बिलियन डॉलर्स है ये एक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसमें कई फीचर्स हैं जैसे ब्रेक थ्रू स्टील टेक्नोलॉजी एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंग बात यह है ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट बाकी और टेक्नोलॉजीज़ के साथ कम्पैटेबल होगा जो प्राइवेट जेट कंपनीज अपने कंपोनेंट्स में इस्तेमाल करती है आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी वो इसमें इस्तेमाल की जा सकेंगी इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है नॉर्थ रोप ग्रूमैन और उन्होंने इसका नाम दिया है डिजिटल बॉम्बर यानी कि ये तरह तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जिससे काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है ये भी कहा जाता है कि इस बी ट्वेंटी वन बॉम्बर को चीन के एडवांस्ड एयर डिफेंस को तोड़ने के काबिल बनाया गया है चाइना के पास एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल शील्ड है जिसमें तीन लेयर्स नेमली एयर सी एंड लैंड इन तीन लेयर्स का डिफेंस नेटवर्क है और इसे वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है लेकिन यू के नए बी ट्वेंटी वन बॉम्बर को इस क्षमता के साथ बनाया गया है कि ये चाइना के थ्री लेयर डिफेंस नेटवर्क की नेट में बिना फंसे कई सारे इंपॉर्टेंट चाइनीज़ कमांड कंट्रोल्स और इंस्टॉलेशन तबाह कर सकता है बी ट्वेंटी वन रेडर कैरी कर सकता है क्रूज मिसाइल जे ए डबल एस एम ई आर बंकर डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब जी बी यू फिफ्टी सेवन सेटेलाइट गाइडेड बॉम्ब जी बी यू थर्टी वन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स बी ट्वेंटी वन रेडर कर का इस्तेमाल करके इनको कैरी कर सकती है और चाइनीज फैसिलिटीज़ में ड्रॉप करके इजीली वापस आ सकती है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि थ्री लेयर डिफेंस नेटवर्क के अलावा चाइना के पास एंटी स्टील्थ वाई एल सी बी रेडार है जो आसानी से ट्रैक कर सकता है बी ट्वेंटी वन रेडार को आमतौर पर अगर आप देखें तो बॉम्बर का रोल लैंड और नेबल टारगेट्स पर हमला करना होता है एयर टू सर्विस मिसाइल और बम गिरा कर लेकिन एक बॉम्बर एयर टू एयर मिसाइल कैरी नहीं कर सकता है एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी और ये कम प्रभावशाली होगा क्योंकि बॉम्बर्स फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होते और ना ही वो साउंड की स्पीड पर उड़ते हैं क्योंकि वो काफ़ी भारी पेलोड्स कैरी करते हैं जैसे बॉम्ब्स और मिसाइल्स तो अगर चाइना के एंटी स्टील्थ वाई एल सी बी रेडर ने इसे ट्रैक कर लिया तो फिर चाइनीज एयरफोर्स का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जे ट्वेंटी बड़ी आसानी से बी ट्वेंटी वन रेडर को शूट डाउन कर सकता है और अगर मान लें कि बी ट्वेंटी वन रेडर में एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है तब भी वो फाइटर जेट की तरह मेनूअर नहीं कर सकता वैसे चीन के पास भी एक स्टील्थ बॉम्बर अंडर डेवलपमेंट है इसका नाम है शियान एच ट्वेंटी जो अमेरिकी वायुसेना के बी ट्वेंटी वन रेडर का जवाब है चाइना का बॉम्बर भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा मुझे लगता है चाइना अपना बॉम्बर ऐसे टाइम पे लॉन्च करेगा जो डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के सामने एक चाइनीस स्ट्रेंथ का प्रदर्शन होगा पहले यूनाइटेड स्टेट्स का बॉम्बर के लॉन्च होने पर चाइनीज ऑफिशियल्स इस एयरक्राफ्ट को स्टडी करेंगे और प्राइवेटली एक कंपेरिजन ड्रॉ करके अपने बॉम्बर में ट्यूनिंग्स करेंगे और इसी बेसिस पे उन्हें कुछ अपग्रेड करना होगा तो वो करेंगे अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में पूछा था सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड वॉर टू के समय पे एक रेड की गई थी जिसका नाम था डूलिटल जिसे लीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ने इस रेड पे 80 एयरमैन और 16 बी ट्वेंटी मिशिल मीडियम बॉम्बर्स शामिल थे इन्हीं के ऑनर में बी ट्वेंटी वन रेडर का नाम दिया गया है बाय द कंपनी नॉर्थ रॉप ग्रूमेन मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो ये था इस, इस इशू का डिटेल्ड एनालिसिस आप इस वीडियो के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से समझ आने वाले एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे गए हैं नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कॉमरेड फ्यूचर ऑफिसर्स के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो से रिलेटेड हर एक स्टडी मटेरियल आर्टिकल पी और पी डाउनलोड कर सकते हैं एज आ रेफरेंस पढ़ सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हो इस ग्रुप में आपको कॉमरेड्स चैनल में अपलोडेड हर वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी सारे नोट्स को विजुअली पढ़ सकते हो माइंड मैप्स के थ्रू आप क्लियरली पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस भी पढ़ सकते हो जिसमें वोकेबुलरी भी इंक्लूडेड रहती है सो गो अहेड एंड चेक इट आउट फॉर फ्री लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग